हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ चैप्टर मैथ की एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, को हल करते हैं प्रश्नावली को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सब इन सब के एक साथ पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर इसका हम आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे। तो जैसे पहला है हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, ये है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं। जब x बराबर 0 रखने पर, ये बेटा पॉइंट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, पाई बराबर 4। ठीक है, बताइए तो पूरा करके दिखा देते हैं, देख लो पूरा कैसे होगा। ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, तो पाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 4। तो बेटा हमारे बिंदु क्या निकलेंगे, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें 4 मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम रख देते हैं y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4। तो बेटा जब हमने कहते हैं हमें 4 मिला, कब मिला 4 में, जब हमने y बराबर 0 रखा। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन को हल कर लिया। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देख ले। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर, सॉरी x माइनस y बराबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें भी x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बेटा जो हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 2, माइनस इधर पहुंच जाएगा 2 के पास, तो ये जाएगा वाई बराबर माइनस 2। तो बेटा हमें इधर पॉइंट क्या मिले, जब हमने एक्स बराबर 0 रखा तो हमें वाई बराबर माइनस 2 मिला। ठीक है ना, अब हम क्या रखते हैं, वाई बराबर 0 रख देंगे। हम क्या करेंगे, वाई बराबर 0 रखने पर, ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कीपिंग या कीप या फिर कैप्ट, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 बराबर 2, तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 2। जब हमें x बराबर 2 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब हमने हमें 2 कब मिला, जब हमने y बराबर 0 रखा। ये दूसरी क्वेश्चन भी हल हो गई। तीसरी क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी क्वेश्चन है y बराबर 3x, y बराबर 3x, ठीक है, इस इक्वेशन को भी हल कर दे, देख लो बेटा y बराबर 3x तीसरा पॉइंट है, y बराबर 3x। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखो हम x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर जब बेटा x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 × 0, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 0। तो बेटा देखो जो हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 में क्या मिला, 0 मिला। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर तो बेटा वाई बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 बराबर 3x, ये 3 क्या हो जाएगा, 0 के बटे में हो जाएगा, तो ये जाएगा 0/3 बराबर x, तो ये हो जाएगा 0 बराबर x। ठीक है, मतलब x का मान क्या है, 0। तो आप बोल सकते हैं हमें x का मान 0 मिला जब हमने वाई बराबर 0 रखा। ठीक है, और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो भी हल कर लेते हैं। ये लिखा है 3 बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है, इसे भी हल कर ले। अब इसमें देख लो बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो बेटा x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 बराबर 2 × 0 प्लस का y, तो ये जाएगा 3 बराबर y, तो y का मान क्या है, 3। तो हम इधर लिख सकते हैं, जब हमने 0 x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें क्या मिला, 3 मिला। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर जब बेटा y बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, 3 बराबर 2x प्लस y, 3 बराबर 2x, और इधर क्या प्लस का y है ना, तो इधर प्लस का 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 3 बराबर 2x, इस 2 को इसके बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर में x, तो हमें x का मान क्या मिला, 3/2। तो आप बोल सकते हैं जब हमें 3/2 मिला, कब मिला, जब हमने y बराबर 0 रखा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, ये आपके सब निकल आए, एक बार पॉइंट को आप सब देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या मिला, 0,4, फिर 4,0, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या मिला, 0,-2, 2,0, ठीक है, उसके बाद 0,
जीरो, फिर हमें मिला 0.0, फिर हमें मिला 3/2 0। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम ग्राफ में दर्शा के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, पहली लाइन थी 0.6। ठीक है, तो देखिए हमारा जीरो कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा जीरो। हमारा जीरो कहाँ होगा, हमारा ये बीच में होगा जीरो। ठीक है, उसके बाद 0.4 यानी ये वाला वाई अक्ष का था, और 0.4 यानी इस अक्ष का। ठीक है, तो पहली लाइन तो हमारी इधर से ये आई, ये इससे। मेरे पास बेटा स्केल नहीं है, आप लोग के पास स्केल होगी तो सीधी बना लीजिएगा। ये किस लाइन का बना, ये बना आपका x+y, ठीक है, बराबर में 4 यानी पहले का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, x-2 का, उसमें हमें क्या मिला था, 0.2 और -0.-2। ठीक है, तो 0.-2 यानी ये इधर से लाइन आई और ये 2 पे कटेगी, यानी ये 2 से ऐसे कट गई। ठीक है, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, जैसे सीधी ऐसे बनेगी। ठीक है, 2 पे जी बेटा, दूसरी लाइन हमारी क्या निकलेगी, x-2, सॉरी x-y बराबर 2। ठीक है, x-y बराबर 2। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें अगला पॉइंट क्या था, y बराबर 3x का था, जिसमें मिला था 0.0 और 0.3 और 0, तो ये देख सकते हैं, ये आपकी लाइन 0 इसे फिर से कटेगी। ठीक है, ये लाइन आपकी ये ऐसे निकलेगी, जैसे निकल के सीधी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, y बराबर 3x। ठीक है, y बराबर 3x। ठीक है, लास्ट लाइन और बनानी है, बना देते हैं लास्ट लाइन। बेटा आपको क्या मिला, 0.3। ठीक है, और 3/2, बेटा 3/2 जैसे ही लिखा है, 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5, मतलब ये किसके, इसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो ये देखो बेटा, ये आपको इसे निकाल के ई से ले जानी है। ये क्या बन गया आपका, 2x+y बराबर 3। ठीक है, ये आपका बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु 2, 4, 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो, हमें अपने पास से, अपने मन से कोई समीकरण बना लेने हैं। ठीक है, कोई भी अपने मन से समीकरण बना लीजिए, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कुछ समीकरण। ठीक है, जो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, जो आपका मन हो वो समीकरण बना लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहला समीकरण लिख लिया, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें हमें x बराबर बोल रहा है 2 रखने को और y बराबर बोल रहा है 14 रखने को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे हम x y में समीकरण बनाएंगे, तो हम इधर लिख सकते हैं x+y बराबर c लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं 4x-y बराबर e। ठीक है, और तीसरा समीकरण हम मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप 2 ही रखें तो भी ठीक है। ठीक है, तीसरा समीकरण 2x बोल दो और +3y बराबर में d बोल दीजिए। ठीक है, और चौथा समीकरण इसका हम मान लेते हैं 5x और प्लस का y बराबर का f। ठीक है, मैंने ये समीकरण मान लिया। ठीक है, आपसे बोला है x की जगह 2 रखना है, y की जगह 14 रखना है, तो रख दो। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2+14 बराबर c, तो c, तो ये हो जाएगा 16 बराबर c, या फिर आप इसे या करके लिख सकते हैं c बराबर 16। बस आपको यही चीजें दिखानी है, क्यों दिखानी है ये मैं आपको बाद बताता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद देखो बेटा x की जगह में क्या रखना है, 2 y की जगह 14, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2, क्योंकि x की जगह में 2 रखना है, -y की जगह 14 बराबर में, तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 - 14 बराबर ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर, ये हो जाएगा आपका ई बराबर, ये निकल के आएगा -6 बराबर ई, इसे आप या करके लिख सकते हैं ई बराबर -6। ठीक है, एक बात और बेटा, सी का मान क्या है बेटा, सी का मान है 16, इसे समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा x+y
बराबर सी का मान क्या निकला था 16, ऐसे भी कर सकते हो ठीक है। ऐसे इसमें कर दो तो ये हो जाएगा आपका समीकरण क्या है आपका, 4x - y, 4x - y ठीक है, 4x - y और बराबर में -6, ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है आप। उसके बाद बेटा तीसरे वाले में देख लो, 2x लिखा है, क्या लिखा है 2x, 2 × x का मान क्या है 2 + π, 3y, y का मान हमने क्या 14 जो हमें दिया गया बराबर d, तो हो जाएगा 4 + 13 चौक, बताइए 14 × 14, 14 × 28, 14 3 बताओ 14 42, और ये बराबर में d हो जाएगा। तो बेटा 42 और 14 कितने हो गए, ये हो जाएगा आपका 46, 46 बराबर d। इसे आप या करके क्या लिख सकते हैं, इसे आप या करके लिख सकते हैं t बराबर 46 ठीक है। अच्छा बेटा एक बात सुनो, समीकरण क्या दिया गया हमें, इसे समीकरण एक बोल दो ठीक है। समीकरण हमारा 2x + 3y, 2x + 3y, और बेटा d का मान क्या निकला है 46, तो ये थे लिख दो 46, बन गया समीकरण ठीक है। लास्ट वाले को हल कर लो, फिर बताते हैं क्यों कर रहे हैं हम। 5y ठीक है बेटा, 5y यानी 5x, सॉरी 5x की जगह 2y का मान क्या है 14 बराबर में f, तो हो जाएगा 10 + 14 बराबर f, 10 और 14 कितने हो जाएंगे 24, तो हो जाएगा 24 बराबर f। इसे आप या करके लिख सकते हो f बराबर 24। समीकरण क्या दिया गया बेटा हमें, समीकरण दिया गया 5x + y, 5x + y बराबर 24, क्योंकि f का मान 24 निकला है ठीक है। अच्छा ये सब क्यों किया गया, उसने बोला है कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो आप इसमें बोल सकते हो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अतः 2 और 14 से भी अनंत रेखाएं बन सकती हैं ठीक है। एक बिंदु से अनंत रेखा, जैसे मान लो ये बिंदु है एक ठीक है, ये बिंदु है एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं ठीक है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अतः 2 और 14 से भी अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट ही हमने निकाल लिए हैं, अभी हम चाहते हैं और पॉइंट इसमें जोड़ के निकाल सकते हैं ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखो इसमें हमें x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 3 दिया गया है और y बराबर दिया गया है हमें 4, ये हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण लिख देते हैं। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, ये लिखा है 3x बराबर ax, सॉरी 3y है बेटा, ये 3y बराबर ax + 7 क्लियर है बेटा। y का मान क्या है 4 ठीक है, a का मान क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3a + 7, ये हो जाएगा y का मान नहीं रखा हमने, अरे y का मान हमें कितना दिया गया 4 ठीक है, बराबर में ये 3a हो जाएगा + 7 ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 3a + 7, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 ये तरह किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 12 - 7 बराबर का 3a। 12 में से 7 का कितना बचा, 12 में से 7 का लिख लो जितना बचा हो, ये बचेगा आपका 5 बराबर 3 है बेटा। इस 3 को इसके बटे में भेज दो, इसको इसके बटे में भेज दो, ये जाएगा 5/3 बराबर ए ठीक है। इसे आप या करके लिख सकते हैं ए बराबर 5/3, ए का मान हमें निकालना था, ए का मान हमने निकाल लिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये, यदि तय की गई दूरी एक्स किलोमीटर हो तो कुल किराया वाई हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए, मतलब इसमें हमें ग्राफ भी देना है ठीक है ना। तो बेटा हम बोल देते हैं, माना तय दूरी बराबर एक्स किलोमीटर ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ठीक है, तथा x - 1 किलोमीटर ठीक है। सपोज किया है तो देखो बेटा
अच्छा कुल किराया कुल किराया बराबर 8 × 1, ठीक है 8 रुपये था ना, बराबर में 5 किलो, उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति दूरी बढ़े हैं, ठीक है प्लस का, उसके बाद हमें कितने दूरी बढ़े, 5 किलोमीटर दूरी बढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x-1, इसे बेटा कुल किराए को हम 22 बोल देते हैं, ठीक है। जो हो जाएगा आपका 8 × 1 = 8 प्लस 5 का गुणा कर तो ये जाएगा 5x और माइनस का 5। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर सुना होगा आप लोगों ने, इस 8 में से 5 के कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 22 बराबर 3 + 5x। ये तो बन गया हमारा रैखिक समीकरण, पहला पहली चीज तुम्हारी सॉल्व हो गई रैखिक समीकरण। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो बेटा इस ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट निकालने हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं, इसमें x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 बराबर 3 प्लस का 5 × 0, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 22 बराबर 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो बेटा हम आप बोल सकते हो, जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें 22 बराबर क्या मिला, 3, ठीक है। ऐसे बेटा हम क्या रखेंगे, 22 बराबर 0 रख देते हैं, 22 बराबर 0, या फिर बेटा 22 बराबर 0 नहीं, कुछ और रख दो, पॉइंट कुछ सेम आ जाए जिससे एक ही लाइन हमें खींचनी पड़े, ठीक है। तो इसके लिए बंदा इसमें आप ऐसा करो, 22 बराबर 3 रख लो, ठीक है। तो जब बेटा 22 बराबर 3 रखो, ये हो जाएगा 3 बराबर प्लस का 3 प्लस 5, हाँ 5x, ठीक है ना। तो बेटा ये तो ये कट गया, इधर बचा 0, ठीक है 0, तो ये जाए 0 5x, ये 5 इसके 0 के बटे में आ जाएगा, तो ये जाएगा 0/5 बराबर x, तो 0 बराबर x, x का मान क्या मिला, 0। तो आप बोल सकते हो, क्या कह सकते हो आप, कि हमने जब हमें x का मान 0 मिला, जब हमने 22 बराबर 3 रखा, ठीक है। अब बेटा हम इसका ग्राफ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। अब देख लो बेटा, जैसे ग्राफ आपको आपको क्या बोला, 0,3, ये दो ही तो पॉइंट आए, तो 0 तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 इधर मान लेते हैं, 0, ठीक है, 0 से 3 को क्रॉस करना है, जैसे इधर 0 मान लिया मैंने, ये 0 इधर से आपको ये क्रॉस करते, ये 3 को क्रॉस होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइन सीधी खींच लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय किया गया आकार पिंड द्वारा तय गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और अचर बल मात्रक 5 लेकर इसका आलेख खींचिए, यदि पिंड द्वारा तय गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य, बाई मान लेते हैं, तय दूरी सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो प्रश्न था, उसने बोला है पिंड द्वारा तय किए गए कार्य की, जो मतलब किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं बाई अनुक्रमानुपाती एक्स, ठीक है। इसे बेटा और इसे हम ये बोल देते हैं बाई बराबर के एक्स, फिजिक्स आप लोग लगाते होंगे, तो आप जब पॉइंट कहते हैं अनुक्रमानुपाती को सिद्ध करने के लिए आप लोग एक पॉइंट के लिखते हैं, ठीक है, इसे स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमें ये स्थिरांक क्या दिया गया, जहां हमें के बराबर बोला है 5 क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं बाई बराबर 5x, ठीक है। अब देखो बेटा, ये 5 बराबर 5x हो गया, उसने बोला है, उसने हमें 2 मात्रक भी दिए गए हैं, ये 2 मात्रक दिए गए हैं, ये पहला दूसरा, उसने क्या बोला है, ए पहला मात्रा यानी x/2 और दूसरा y/0, ठीक है। रख देते हैं, सबसे पहला मात्रक हम उठाते हैं, पहला मात्रक उठाया हमने, क्या बोला था, x/2 यानी 2 मात्रक है,
एक्स बराबर 2 मार्क्स तक। तो जब बेटा एक्स बराबर 2 करेंगे तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 10। तो पॉइंट क्या बना एक तरह से, अगर हम पॉइंट देखें तो 2 और 10 हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद बेटा देखो, अब हम ये बेटा एक्स वाई नहीं होगा, सॉरी ये एक्स वाई नहीं होगा, ये एक्स ही बराबर दोनों मात्रक है, ये एक्स बराबर 0 है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चला गया था मैं। ठीक है, यदि दूसरा मात्रक इसका उठा लेते हैं जिसमें हम एक्स बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, ये तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, हो जाएगा बाई बराबर 5 गुणे 0, तो ये जाएगा बाई बराबर 0। ठीक है, तो बेटा हमें एक्स का पॉइंट मिल गया, वाई का पॉइंट मिल गया। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ग्राफ इसका खींच देते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट आप निकालें, इतने ही पॉइंट पे काम बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल चाहें तो और पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, अपने पास से सपोज कर लीजिए अब। ठीक है, जैसे अपने अपने पास से मैं ग्राफ के लिए सपोज करता हूँ, वो तो क्वेश्चन के लिए था, ग्राफ के लिए मैं अपने पास सपोज करता हूँ, इधर मैं एक्स बराबर 0 बोल देता हूँ। ठीक है, जब एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर 5 गुणे 0। ठीक है, तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो आप बोल सकते हैं जब मैंने एक्स बराबर 0 रखा तो हमें बाई बराबर भी 0 मिला। उसके बाद बेटा हम इधर एक्स बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, तो जब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1, तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 5। तो आप बोल सकते हैं जब मैंने एक्स बराबर 1 रखा तो बाई बराबर मिला 5। इससे हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बेटा वो पॉइंट बड़े 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 थे इसलिए। ठीक है, इससे हम अपना ग्राफ बना देते हैं। तो आइए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लो बेटा, जैसे ही ग्राफ है, ठीक है, हमारा क्या आया था 0.0, तो ये 0.0 तो हमारा इधर ही होगा। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा 1.5, जब हमने एक बराबर एक्स बराबर 1 रखा था तो हमें जब हमने एक्स बराबर 1 रखा तो बाई बराबर में क्या मिला था, 5। तो ये तो मेरा एक्स अक्ष हो गया, ये मेरा ऊपर वाला बाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा ये इधर ही से बनेगा ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, धीमे धीमे इधर लाइन आती रहेगी। जैसे ये लाइन हमारी बनी, एक पे रुकेगी आके, एक पे रुकेगी। बेटा आपके पास स्केल होगी तो आप सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, यही आपका ग्राफ होगा, यही आपको प्रदर्शित करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे बेटा 0, उससे और काट दो, जैसे ये इससे कटेगा, ये लाइन ऐसी जाएगी, जाएगी इस पॉइंट को चीरते हुए निकल जाएगी, तो नीचे से बढ़ा दो ये। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, लाइन ये कहलाएगी आपकी बाई बराबर 5x। अब ये ठीक है, अगर मैं उतने पे छोड़ देता हो सकता है आपका एग्जाम एक दो नंबर काट देता। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, एक विद्यालय की कक्षा की छात्रा यामिनी फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राजकोष से 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो, आप उनका अंशदान एक्स और बाई मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, हमें मतलब इसका हमें समीकरण भी देना है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें हम बोल सकते हैं माना माना यामिनी, हाँ यामिनी, यामिनी द्वारा, यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान, दिया गया अंशदान, दिया गया अंशदान बराबर हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, और फातिमा द्वारा, ठीक है, तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर बोल देते हैं वाई। क्लियर है? प्रश्न अनुसार उसने क्या बोला है, दोनों ने मिलकर क्या क्या किया है, 100 रुपये। तो इसका आप अगर रैखिक समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 100 रुपये। ये क्या बन गया आपका, रैखिक समीकरण। ठीक है, आधा आंसर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। जब बेटा ग्राफ खींचेंगे तो आपको पता है ग्राफ खींचने के लिए हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स बराबर 0 डाल देते हैं। जब एक्स बराबर 0 डालेंगे तो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 100, तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 100। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब हमने एक्स बराबर 0 लिया तो हमें वाई बराबर क्या मिला, 100। ठीक है, उसके बाद बेटा
अब हम वाई बराबर भी जीरो डाल देते हैं। जब वाई बराबर जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जीरो बराबर 100, तो ये जाएगा एक्स बराबर 100। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब आपको एक्स बराबर 100 मिला जब हमने वाई बराबर जीरो लिया। अब इसका बेटा ग्राफ खींच दे, तो देख लो बेटा ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। 0,0 तो यही है, 0,100 तक भी हमने निकाल दिया है। अब हमें एक लाइन खींचनी है वाई एक्स के 100 से एक्स एक्स के 100 तक। ये लाइन ऐसे खींचेगी और ये इसके बिंदु को निकाल देगी। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्स प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। यही आपका ग्राफ कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। और मैंने इसे 20-20 के अंतराल पे लिया, क्योंकि अगर एक से लेते बहुत लंबा जाता है, या 5 से लेते बहुत लंबा जाता है, या 10 से लेते तब भी बहुत लंबा जाता है। मैंने 20-20 के अंतराल में ले लिया है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लो बेटा, अमेरिका कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दीजिए। जैसे ये समीकरण हमें दिया गया है, ठीक है, तो इस समीकरण को पहले हम नोट कर लेते हैं। इसका पॉइंट हम पहले, ठीक है, ये हमें समीकरण दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पहले पॉइंट में सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आरेख खींचिए, ठीक है। मतलब ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम समीकरण हमारा क्या दिया गया है, समीकरण में दिया गया है एफ बराबर यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और सी प्लस 32। इसम बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, बाई बराबर 9/5 और एक्स प्लस 32, क्लियर है। इसका आलेख बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट रखने पड़ेंगे, ठीक है, पॉइंट रखने पड़ेंगे, जिस तभी तो आलेख बनेगा। तो इसमें हम रख देते हैं, सबसे पहले एक्स बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर 9/5, 9/5 गुणे 0 प्लस का 32, तो ये आपका क्या हो जाएगी, हो जाएगा आपका बाई बराबर 0 प्लस 32। तो आप बोल सकते हैं बाई बराबर आपको क्या मिलेगा, 32, ठीक है। तो आपके पॉइंट क्या बने आएंगे बेटा, जो आपने एक्स बराबर 0 रखा तो आपको बाई बराबर क्या मिला, 32, ठीक है। उसके बाद फिर से बेटा हम कोई पॉइंट रख देते हैं इसमें, अब क्या और हम रख देते हैं एक्स बराबर कुछ 5 रख के देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाई बराबर 9/5 गुणे 5 प्लस का 32, 5 से 5 कट गया, तो ये जाएगा बाई बराबर 9+32, ठीक है, 9+32। तो ये हो जाएगा 3209, कितना होता है बेटा, 3209 होता है 32 और 9 41, 41, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हमने x बराबर कितना 5 रखा और y बराबर आपको क्या मिला, 41, y बराबर आपको 41 मिला। अब इसका हम क्या कहते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, ये ग्राफ देख ले। तो देख लीजिए बेटा, सबसे पहले बेटा 5,41 देख लेते हैं। तो बेटा देखो 40 और 45 के बीच में तो 41 होगा, मान लेते हैं यहाँ 41 होगा। तो देखो बेटा जैसे लाइन खींचते खींचते ये कहाँ आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा, ठीक है, ये 5 पे आ गया। उसके बाद बेटा 0,32, 32 कहाँ होगा बेटा, 30 और 35 के बीच ही में होगा 32, ठीक है। और ये इधर इसका लाइनिंग पे होगा, तो बेटा ये देखो ये लाइन जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तापमान वो सॉरी ये है यदि तापमान 95 से वो 30 सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो आइए फ़ारेनहाइट में तापमान हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये समीकरण में दिया गया है, जहाँ हमें सी बराबर बोला है 30, सी बराबर क्या बोला है, 30 मान रख देते हैं। एफ बराबर 9/5 गुणे 30 प्लस का 32, 5 से 30 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5×30, तो ये हो जाएगा आपका एफ बराबर 9×6 प्लस का 32, 9 छंग कितना होता है, 54, ये जाएगा एफ बराबर 54+32। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4×2 6,
5 3 8 तो f बराबर किया जाएगा आपका 46, वो 86। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देख लो बेटा तीसरा ये, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस बताइए। तापमान 95 हो, वो 95 फ़ारेनहाइट हो, पिछली बार हमें सी बराबर दिया था, अब हमें एफ बराबर दिया गया है, तो बढ़ते हैं। ये समीकरण है, इसमें हमें एफ बराबर बोला है, एफ बराबर कितना 95 दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा आपका 95 बराबर 9/5 सी प्लस का 32। ये 32 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 95 माइनस 32 बराबर में 9/5 सी। बेटा 95 में से 32 का कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 63, बचेगा 63, तो 63 लिख दो, 63 बराबर 9/5 सी। ठीक है, अब क्या करें, अब बेटा देखो इसे अगर बेटा ये 9 से इसे काट दें, अगर 9 से इसे 63 काटे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार। ठीक है, इधर बचेगा एक, तो ये और इस 5 को हम इसके गुणे में भेज देंगे, तो ये जाएगा 7 × 5 बराबर सी, 7 × 30, तो ये जाएगा 30 बराबर सी। इसे हमें या करके ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या सी बराबर 30 सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। यदि यदि तापमान 0 सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, मतलब दोनों में निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को, तो बेटा हमें दिया गया है यदि फ़ारेनहाइट बराबर 0, ठीक है, मतलब आपका मान 0 रखना है, तो ये जाएगा 0 बराबर 9/5 सी प्लस का 32। ये प्लस का 32 है, ठीक है, इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये जाएगा -32 बराबर 9/5 सी। इस 5 का हमें गुणा हो जाएगा, बटे में है, तो ये जाएगा -32 × 5 बराबर 9 सी। ठीक है, 32 का गुणा 5 में करोगे आपका आ जाएगा 160, माइनस का 160 बराबर 9 सी, 9 को इसके बटे में भेज दो, तो ये माइनस का 160/9 बराबर में सी। तो बेटा आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा -17.777। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर में सी चल रहा था, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, -17.78 बराबर सी। या करके ऐसे लिख देते हैं, सी बराबर -17.78 सेल्सियस। ये तो आपका आ गया सेल्सियस, जब हमने एफ बराबर 0 का, अब हम सेल्सियस बराबर 0 रखेंगे तब क्या आएगा वो देख लेते हैं। जब हम सेल्सियस बराबर 0 रखें तो देख लो बेटा, यदि सी बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर 9/5 × 0 प्लस का 32, ये हो जाएगा एफ बराबर, ये हो जाएगा आपका एफ बराबर 0 + 32, तो एफ बराबर क्या मिलेगा हमें 32, इसे आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या ऐसा ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए बेटा, हम करते हैं यदि जहां एफ बराबर सी, सी बराबर एक्स, मतलब एफ और सी दोनों का मान क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो रख दो बेटा एफ की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 9/5, इधर भी एक्स हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये 5 बटे में है, ठीक है, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका या फिर ऐसा कीजिए, इसे ये प्लस में है पूरा, इस पूरे को इधर लेंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स माइनस 9/5 एक्स प्लस का सॉरी बराबर में 32। ठीक है, तो बेटा इनका जब वो कर देंगे हम, लासा निकाल देंगे, जब इनका हम बेटा लासा निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा 5 एक्स और माइनस का 9 एक्स बराबर में क्या चल रहा है, 32 चल रहा है,
हो जाएगा आपका माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 4x बटे में 5 बराबर 32। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 4x, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 4 से इसे काटेंगे 32 की कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, माइनस भी कोई इधर ही पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा, और इस 5 को भी इसी के पास भेज देंगे तो ये जाएगा x बराबर ही हो जाएगा माइनस का 8 गुणे 5, ये हो जाएगा x बराबर माइनस 40। तो आप बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, -40 सेल्सियस बराबर -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। मिलते हैं एक्सरसाइज में, इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा।